हेलो दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके चैनल दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे समोसा चक्री, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो भी फ्री में, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको खटाक से मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चक्री समोसा रोल एकदम गर्मा गर्म रेडी है। इसके देखिए कितनी मस्त लग रही है, बहुत ही शानदार है इसका टेस्ट। फ्रेंड्स, जैसे ही तेल गरम हो जाए, मैंने यहाँ पे एक चम्मच पचफोरन लिया है, इसे डाल देना, अच्छे से क्रैक कर लेना इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ करी लीव्स लिए, इसे डाल देना है। और इसके डालते ही मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची लिया था, तो मैंने तीनों को एक ही साथ कूट लिया था। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन अदरक को तीनों को एक ही साथ कूट लिया। यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, होम मेड आमचूर पाउडर है, और स्वाद। यहाँ पे मैंने ज्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये फ्रेंड्स, फिलिंग हमारी एकदम चटाकेदार रेडी है। इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है, तो और यहाँ पे मैंने लिए कलौजी, जिसे मंगरेला कहते हैं, तो इसके अंदर डाल देना है, और थोड़ा सा यानी नमक लेना है, ताकि आटे में नमक का स्वाद रहे। और इसमें डालना है ढेर सारा तेल। ऊपर कर, इसमें 2 चम्मच हम तेल डालेंगे, तो थोड़ा मैं गड्ढा कर दे रही हूँ गड्ढा। अब इसे हम तेल से मालिश करेंगे। आटा हमें एकदम मुलायम रखना है, ज्यादा सख्त भी नहीं रखना है। यहाँ पे कड़क आटा रहेगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मुट्ठी बंधने लगती है, तो इसका मतलब हमारा आटा है जो सेट हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी, तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के हमें गूंथना है। मैंने यहाँ पे आटे का इस्तेमाल किया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। पानी डालूंगी, तो कभी भी एक साथ पानी नहीं डालना इसके अंदर। और तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमारा आटा नीट हो गया है, और 1 कटोरी पानी लगी थी मुझे, छोटी सी कटोरी है। देखिए फ्रेंड्स, आटे को हमें 5 मिनट तक अच्छे से नीट करना, यानी अच्छे से मसाज करना है, जब तक ये सख्त रहे आटा, लेकिन अंदर से मुलायम होना चाहिए इस तरह से। तो इसे नीट करते रहना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा नाश्ता एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, तो इसमें कट लगाने हैं इस तरह। मैंने फ्रेंड्स एक लोई ले ली है, तो रोटी का आकार का इसे बेलना है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, और इसे अच्छे से बेल लेना है। तेल जितना लगा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटी के जैसे इसे बेल लेना है, तो एकदम फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे सभी रोटियां तैयार हो गई हैं, मैंने चारों को बेल लिया है। तो अब क्या करना है मैं बताते जाती हूँ, थोड़ा सा और पतला कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी फिलिंग है, फिलिंग को उठाना है, और इसे चारों तरफ फैला देना है इस तरह से। इसकी पतली सी लेयर लगा देना है हमें। फ्रेंड्स, हमें दूसरी रोटी उठानी है, इसके ऊपर अटैच कर देनी है इस तरह से, और इसे प्रेस कर देना है ऐसे, ताकि जब हम इसे उठाएं तो ये निकले ना। तो इस तरह से हम कर देंगे तो ये चिपक जाएगी। दैट्स इट, ये देखिए डन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नाइफ ले लेना है, और इसे पतला पतला कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कट कर ले रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें उठाना है, इसे रोल करना है इस तरह से, गोल 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 इसे घुमाना है, और यहाँ पे हमें पानी लगा लेना है, और इसे अच्छे से चिपका लेना है। तो ये देखिए हमारा रोल समोसा रेडी है।
तो इस तरह से हमें सभी बना लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को इसी तरह से बना लेना है और अदरवाइज ये चिपकेगा नहीं, खुल जाएगा तेल में जाते ही, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरह से सभी रेडी हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ये रोल उठाना है और इस तरह से थोड़ा चपटा कर देना है। ये देखिए, सभी को दबा लिया है इस तरह से, कितने मस्त लग रहे हैं। तो हमें इन्हें हम फटाफट फ्राई करने वाले हैं, तो हमारे चाय नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड, तेल जब हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा तभी इसके अंदर ये डाल देना है समोसे चक्री को। तो तेल को हमें हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, इसे धीमी आंच पे पकाना है। तो ये धीमे धीमे पकेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, तेज आंच ना करें इसके लिए। ये जैसे बुलबुले आने लगेंगे इसका मतलब तेल अच्छा गर्म है, इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है और इन्हें धीमी आँच पर पकाना है फ्रेंड्स, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद हम इसे पलट ले रहे हैं हमारे समोसा चक्री को। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चक्री समोसा रोल एकदम रेडी हो गए हैं। आप तो मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, मैं तो चली खाने, चटनी का भी इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। ये बाकी का बैच हम फ्राई कर लेते हैं और फटाफट खाने के लिए बैठ जाते हैं। आप फिर रेसिपी जरूर ट्राई करिए और कमेंट, कितने मज़ेदार लग रहे हैं, कितने टैम्पटिंग लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, चक्री समोसा रोल एकदम गर्मा गर्म रेडी है। इसके देखिए कितनी मस्त लग रही है, बहुत ही शानदार है इसका टेस्ट। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत ही इंतजार रहता है और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूले। एक मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए इसकी फिलिंग अंदर की कितनी मस्त लेयर पक गई है। तो देखा दोस्तों, समोसा चक्री बनाना कितना आसान है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूले। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।